अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो प्रीवियस पांच लेक्चर्स हैं उनका एक रिव्यू लेंगे, शॉर्ट व्यू। उसमें मैं आपको जो पिछले पांच लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया है उनको कॉन्सेप्ट्स को एक दफा दोबारा रिवाइज करवा दूंगी। सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने डेफिनेशन मार्क करनी है, पेज नंबर 2 पे है। An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called quadratic equation or an equation of second degree. ऐसी equation जिसमें variable की power square से ज्यादा ना हो, यानी 2 से ज्यादा ना हो, ऐसी equation को हम quadratic equation कहते हैं। जैसे हमने 8 में पढ़ा था कि जिस equation की पावर वेरिएबल की 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसी तरह 2 वाली को क्वाड्रेटिक, 3 जिसकी पावर होती है उसको क्यूबिक, 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक, इस तरह ये इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में हमारे पास ए 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म 0 होगी और ये फिर लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। और आपके पास ए बी सी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अगर आपके पास बी 0 होता है, बी 0 का मतलब है आपके पास एक्स कोफिशियंट जो है वो 0 है, तो इसका मतलब एक्स जो है वो भी 0 हो जाएगा। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट 0 होता है जिसकी वजह से एक्स 0 हो जाता है, तो आपके पास इक्वेशन बन जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो रहेगी क्योंकि जो मैक्सिमम पावर है उस इक्वेशन की वो 2 है, लेकिन अब वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 16 एंड 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। फिर हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसके प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पॉइंट आउट किया था आपने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉल्व करके हमने देखा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। फिर हमने सॉल्व करने के मेथड्स पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स पढ़े थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने कौन कौन से मेथड पढ़े थे? बाय फैक्टराइजेशन, सेकेंड मेथड हमने पढ़ा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड हमने एक्सरसाइज 1.2 में किया था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल, एक ही को तीनों मेथड से बारी बारी करके चेक करते हैं तो आपके पास रिवाइज हो जाएंगे ये तीनों मेथड। तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आपके पेज नंबर 6 पे, 2 प्लस 9x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। सबसे पहले हम करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन यहां हम इसको करेंगे बाय मिड टर्म ब्रेक मेथड। मिड टर्म ब्रेक मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था सबसे पहले इसको अरेंज करें इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर की टर्म पहले, फिर एक्स की, और एंड में कॉन्स्टेंट। तो यहां 5x स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस 9x, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर इधर था, माइनस 9x और माइनस 2, और मैंने इसको यहां ऐसे रोटेट कर दिया तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करें तो ये मिड वाली चीज बने, और मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी चीज, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, माइनस 10x स्क्वायर, और एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 9x बनेगा। तो अगर आप देखें 10 के टेबल में, अगर हम माइनस 10x प्लस x माइनस 2 करेंगे तो क्या ये हमारी मिड टर्म ब्रेक ठीक हुई है? देखें, माइनस 10x प्लस x, माइनस प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का तो माइनस 9x आ गया।
अब माइनस टेन एक्स को जब प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स स्क्वायर, और हमें मल्टीप्लाई में यही चाहिए था। सेकेंड स्टेप में हम करते हैं कि पहली इन दो टर्म में से कॉमन लेते हैं और इन दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से 5x कॉमन आया, x माइनस टू, इसमें से कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होता तो हम 1 लेते हैं, x माइनस टू। अब मिड टर्म ब्रेक आपके पास ठीक हुई है, यानी इसका एक मेथड चेक करने का ये होता है कि अगर आपके पास ये अंदर वाली ब्रैकेट दोनों सेम आ रही है तो इट्स मीन कि आपकी मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक हुई है। आगे हम इसको और इसको कंबाइन करेंगे, 5x प्लस 1 और ये x माइनस 2। आइदर आपके पास जब मल्टीप्लाई में दो वैल्यूज और इज इक्वल टू जीरो हो तो आप एक को भी जीरो के इक्वल पुट करते हैं और दूसरी को भी, तो आइदर 5x प्लस 1 जीरो है या x माइनस 2 आपके पास जीरो है, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगे, यहां प्लस हो रहा है यहां जाके माइनस, और ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, और ये यहां माइनस है वहां जाके प्लस। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास एक वेरिएबल है इसलिए एक ब्रैकेट यूज होगी, तो माइनस 1/5 और 2 जो है इसके दो सॉल्यूशन सेट हैं। ये हमने किया है बाय फैक्टराइजेशन। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में इसी को करते हैं ताकि आप लोगों के पास, आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि जो मर्जी मेथड यूज करें आपके पास सॉल्यूशन सेट की वैल्यू सेम आती है। तो आपके पास क्वेश्चन था 2 + 9x = 5x2। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, 5x² - 9x - 2 = 0। कंप्लीटिंग स्क्वेयर मेथड में सबसे पहले हम कॉन्स्टेंट को उधर लेके जाते हैं। अगले स्टेप में हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को 1 लाना होता है, तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 5। जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, जब आप ऑपरेशन एक साइड पे करते हैं तो इज इक्वल टू के उधर भी वही ऑपरेशन होता है। अभी आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 आ गया। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में स्क्वायर बनाना है, तो हमारे पास बी स्क्वायर की कमी है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स को बाय 1/2। दैट इज क्या बनेगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स है -9/5, इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो ये आपके पास बन जाएगा -9/10। अब आप करेंगे, ये आपके पास b आया, हमें तो चाहिए b स्क्वायर, तो -9/10 का स्क्वायर को हम ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड। जब एक साइड पे कोई ऑपरेशन करते हैं तो एट द सेम टाइम दूसरी साइड पे भी वो ऑपरेशन करते हैं, वी गेट एक्स स्क्वायर -9/5x = ±9/10 का स्क्वायर = 2/5 +-9/10 का स्क्वायर। अगर अब आप लोगों ने ये चेक करना है कि क्या आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर ठीक है, तो अगर आप ये देखें, अगर हम b को a² - 2 फॉर्मूले का, a आपके पास क्या है 1 और b हमने क्या निकाला है 9/10, ठीक है, तो 2/5, तो ये 9/5 बन रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास, हमने बी स्क्वायर बिल्कुल ठीक बनाया। कुछ बच्चों को ये मसला आता है कि अगर हम यहां माइनस लगाएं, तो बेटा असल में इस माइनस की वजह से ही यहां वाला माइनस होता है, ऑलरेडी क्वेश्चन में फॉर्मूले में यहां प्लस होता है, अगर आपके पास बी नेगेटिव है उसकी वजह से ही आपके पास यहां माइनस आता है, ठीक है। आइए आपके पास होल स्क्वायर को बोथ साइड पे, जब हम एक साइड पे कोई ऑपरेशन करते हैं तो दूसरी साइड पे भी सेम वही ऑपरेशन करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/5 + -9/10 का स्क्वायर।
ये फॉर्मूला आपके पास बंद हो गया, माइनस 9 बाय 10 का स्क्वायर और यहां 9 माइनस 9 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 81 और 10 का 100। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम 100, 5 की टेबल में 20, 22 जा 40 प्लस 81। अब हमें यहां आगे ऐड करके 121 बाय 100 हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ताकि आपके पास x की वैल्यू आ जाए। तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट जब आप स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो एक साइड पे प्लस माइनस आता है, 121 11 का स्क्वायर होता है और 110 का। अब आपके पास x जो है उसको इधर रहने दे, ये माइनस 9 बाय 10 है, वहां जाके प्लस हो जाएगा। आइधर आपके पास इक्वेशन प्लस में होगी और एक इक्वेशन माइनस में होगी, तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी। तो हम एक दफा प्लस में कर देते हैं और एक दफा माइनस में। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, इधर भी डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। 9 प्लस 11 20 बाय 10, माइनस 11 9 माइनस 2 बाय 10, तो आपके पास एक एक्स आ गया 2 और एक आ गया माइनस 1 बाय 5। तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, एक वैल्यू है इसलिए एक ब्रैकेट आएगी, माइनस 1 बाय 5 और 2। प्रीवियस में जो हमने इसको फैक्टराइजेशन से किया था उसमें भी सेम यही आंसर आया था और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सेम यही आंसर आया। अब हम इसका एक हम कर लेते हैं इसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम इसी एग्जांपल को एक दफा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेते हैं ताकि हमारे पास तीनों जो मेथड्स हैं वो रिवाइज हो जाएं। अगर आपको पास मेंशन किया होता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय गिवन मेथड, यानी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर ये लॉन्ग में आ जाता है या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपने वही यूज करना है। और अगर नहीं मेंशन होता तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन सिर्फ जो कंप्लीट स्क्वायर होता है उनके लिए होता है, वरना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, फिर हम ज्यादातर जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन था 2 प्लस 9x 5x स्क्वायर, अरेंज करें 5x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग इट विथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपके पास a क्यों आ जाएगा 5, b माइनस 9 और c माइनस 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन अबव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी गेट b है आपके पास माइनस 9, ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस 9 प्लस माइनस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 5 और c क्या है माइनस 2 और नीचे 2 a क्या है 5, माइनस माइनस प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81 क्योंकि माइनस है, माइनस के ऊपर जब इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव में हो जाती है, माइनस माइनस प्लस 5 फोर 20, 22 जा 40, 5 टू जा 10, 81 प्लस 40 121, इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे ये 11 का स्क्वायर होता है तो ये आ जाएगा 10। आपके पास दो आ रही हैं, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, तो हम एक दफा इसको प्लस में कर लेते हैं और एक दफा माइनस में, 20 बाय 2 माइनस 2 बाय 10 तो ये आपके पास आ गया 2
और ये आ गया माइनस वन बाय फाइव। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट बन गए माइनस वन बाय फाइव और टू। इस तरह हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है बाय यूजिंग थ्री मेथड्स, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मैंने आपको एक ही एग्जांपल तीनों मेथड से करा के दिखाई है और तीनों में आपके पास सॉल्यूशन सेट जो है वो माइनस वन बाय फाइव और टू आया है। होप कि आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में कोई मसला नहीं होगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है रिव्यू के बावजूद तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।